गाइज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी टी एच डिजिटल स्किल्स पर मैं उस सवाल मिलने जी इंटरस्टिंग हाँ दोस्तों आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप टेन इस्लामिक बायोज के बारे में जैसे कि पिछले वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया और मैंने वैसे भी वो वीडियो रिक्वेस्ट पर बनाई थी और इस बारे में ये वीडियो रिक्वेस्ट पे ही बना रही हूं तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको रिलीजन से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग बायोज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो बिना कुछ देने के लिए फटाफट से इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं bar number one when you need a miracle प्रे विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग गाइज इस बात को मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कोई मिराकल हो कोई चमत्कार हो तो आप जब भी प्रे करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके प्रे करिए कि हाँ मैं प्रे कर रहा हूँ और मुझे कुछ ना कुछ रिसीव जरूर होगा मुझे कुछ ना कुछ, कुछ ज़रूर मिलेगा गाइज वैसे तो जब आप दुआ करते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है आपकी नीयत कैसी है आप किस मन से दुआ कर रहे हैं वो दुआ पर डिपेंड करता है कि आप कितने शिद्दत से उसे मांग रहे हैं जब आप कुछ शिद्दत से मांगते हैं तो वो चीज़ आपको जरूर मिलती है तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता

कि दिन के अंत में मैं थैंकफुल होती हूं या थैंकफुल होता हूं इसलिए जो मेरी ब्लेसिंग्स है वो मेरी प्रॉब्लम से कई गुना ज्यादा बड़ी है मतलब मेरी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है और इसलिए मैं थैंकफुल रहता हूँ होप तो सो गाइज आपको ये बायो पसंद आया होगा बायो नंबर फोर कीप वेटिंग बिकॉज अल्लाह इज ऑलवेज देयर एंड नेवर स्टॉप गिविंग गायज इस बायो का मतलब ये होता है कि हमेशा वेट करते रहिए कभी जो वेट का वो है ना वो कभी मत छोड़िए क्योंकि हमेशा आपके पास अल्लाह है मतलब हमेशा आपके पास गॉड है और वो कभी भी देना स्टॉप नहीं करते हैं मतलब किसी चीज़ को भी देना वो रोकते नहीं हैं बस देर इतनी बात होती है कि आप उस चीज़ के इंतज़ार छोड़ देते हैं तो गायज इस बायो का सिर्फ इतना मतलब होता है मुझे उम्मीद है कि आपको ये बायो पसंद आया हो बायो नंबर फाइव टाइम इज एंड हीलर अल्लाह इज गाइस इस बाय का मतलब ये होता है जो समय है वो किसी चीज को ठीक नहीं करता है समय तो आता है और जाता है और चले ही जाता है समय किसी चीज को ठीक नहीं करता है टाइम ठीक नहीं करता है ठीक कौन करता है ठीक करते हैं अल्लाह ठीक कौन करते हैं ठीक करते हैं हमारे गॉड तो गाइज इस बायो का सिर्फ इतना सा सिंपल सा मीनिंग है होप सो गाइज आपको ये बायो पसंद आया होगा अगर आपको ये बायो पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बायो नंबर सिक्स दुआ कैन ओपन एंडलेस डोर्स गाइज इस बायो का मतलब ये होता है कि दुआ जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि अनगिनत डोर्स आपके लिए ओपन कर देते हैं मतलब अगर आपको लगता है कि लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं कुछ है ही नहीं तो गाइज दुआ करिए मतलब कर तो बायो पसंद आया होगा yeah. बायो नंबर सेवन वेन अल्लाह इज योर साइड नथिंग इज इंपॉसिबल गाइज बायो को मतलब ये होता है कि जब अल्लाह आपके साइड होते हैं मतलब जब गॉड आपके साइड होते हैं तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है कुछ भी नामुमकिन नहीं है सब कुछ मुमकिन है नंबर विल बी हैपन एट द राइट टाइम का मतलब ये होता है कि हर एक चीज पॉसिबल है और हर एक चीज होगी पर एक सही समय आने पर अगर तो आप उसको समय से पहले उम्मीद करेंगे कि वो आ जाए तो ऐसा नहीं है सब कुछ आपको मिलेगा सब कुछ आपके साथ होगा बट एक सही टाइम पे होगा आयो नंबर नाइन बट अल्लाह से बेस्ट थिंग इज येट टू कम गाइज बायो का मतलब ये होता है कि अल्लाह कहते हैं कि वेट करो जो बेस्ट है वो अभी भी आना बाकी है आपके लिए अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में कि हाँ यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो गाइज आप गलत हैं उस टाइम भी आपको ये फील करना चाहिए कि नहीं इससे भी अच्छा मुझे मिलने वाला है ऐसा कौन कह रहे हैं हमारे गॉड कह रहे हैं तो अब से गाइज आपको बायो समझ आ गया हो बायो नंबर टेन अल्लाह डज नॉट टेक विदाउट गिविंग गाइस इस बात को मतलब ये होता है कि जो हमारे अल्लाह हैं जो हमारे गॉड हैं वो कभी देने से पहले आपसे लिया नहीं करते हैं मतलब ये कि वो आपको सबसे पहले अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं बट आप उसकी कदर नहीं करते हैं आपको उन चीज़ों को संभालना नहीं आता है तो ही आपसे लिया जाता है आप कहते हैं ना कि हमने क्या गुनाह किया था हमने क्या किया था कि जो हमसे सब कुछ लुट गया हमारा ख़त्म हो गया ये हो गया वो हो गया गाइज़ आप याद करिए कि आपको गॉड ने कभी वो चीज़ें प्रोवाइड करी थी बट आपने उसकी कदर नहीं करी तभी आपसे ली गई है तो ये कहते रहते हैं गॉड तो होप सोगाइज आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जितने भी पा मैंने एक्सप्लेन करे वो आपको अच्छे लगे होंगे और गायस मैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि मैं सिर्फ इसी रिलीजन के ऊपर बायो बनाऊं अगर आपको और भी बायो चाहिए तो आप मुझे अगर आपको और भी रिलीजन पे बायो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मैं उन पे भी वर्क करूंगी और आपको उस पर वीडियो बना के दूंगी तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं फिर मिलूंगी एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें